हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विरन। मेरा नाम है मांशु, आप देख रहे हो पावर ऑफ इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। तो क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स का ट्रेलर 2 ड्रॉप हो चुका है। ट्रेलर 1 का रिएक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख लिया था, मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन ट्रेलर 2 कल ही आया है तो मैं उसे रिएक्ट कर देता हूँ। अब जिसको नहीं पता क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ क्या है, उसे मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि एक बहुत सरल शब्द में समझाता हूँ। वो ये है कि जिस तरह मार्वल ने बिग स्क्रीन पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम आपके सामने लाए, वैसे ही डीसी जो है वो अपनी टीवी सीरीज के जितने सुपर हीरोज हैं वो एक साथ क्रॉसओवर में ला रहा है। और इट्स लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम, जहां पर दिसंबर में 3-4 एपिसोड रिलीज होंगे और वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसे होंगे, और जनवरी में जो रिलीज होंगे वो एवेंजर्स एंड गेम जैसे होंगे। ये सिर्फ एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अंदर की स्टोरी लाइन पूरी डिफरेंट है। यहाँ पर जो विलन है वो है मॉनिटर, एंटी मॉनिटर, दोनों भाई हैं। एक बचाना चाहता है दुनिया को और एक मारना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। और इसी बीच में जो है हमारे जो इतने सारे सुपर हीरोज हैं एरोवर्स के, एरोवर्स पूरा यूनिवर्स है जहाँ पर एरो जब चालू हुआ था, एरो के अलोंग विद एरो की यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते हैं बाकी सारे सुपर हीरोज। फिर आप फ्लैश की बात कर लो, माय फेवरेट डीसी हीरो आफ्टर सुपरमैन एंड बैटमैन ऑब्वियसली, बट ही इज अ लेजेंड एंड आई लव इट। एरोवर्स में एरो की पूरी टीम होगी, फ्लैश है तो फ्लैश की पूरी टीम होगी, सुपर गर्ल आता है सुपर गर्ल की पूरी टीम होगी। इसके अलावा हम लेजेंड्स ऑफ टुमारो को देखेंगे, हम लोग बैट वुमन को देखेंगे, हम लोग ब्लैक लाइटनिंग को देखेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3-3 सुपरमैन हैं अलग अलग अर्थ के। तो 3 क्लार्क कैंट हैं, एक बैटमैन है, आई थिंक 2 फ्लैश हैं, जे गैरिक का जो फ्लैश था वो भी इसमें है। आई थिंक बस जो नहीं है इस पूरे क्राइसिस में वो वंडर वुमन नहीं होंगी, साइबॉर्ग नहीं होगा, एक्वामैन नहीं होगा, ग्रीन लैंटर्न नहीं होगा। ग्रीन लैंटर्न आई गेस है, आई डोंट नो, वो क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतने सारे सुपर हीरोज एक ही, यू नो, इतने क्रॉस ओवर करवाना बहुत मुश्किल काम होता है यार बॉस, और वो करवा रहे हैं लोग। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स का ट्रेलर देखते हैं। दुनिया ख़त्म हो रही है बॉस, तो देखते हैं क्या है, किस तरह से बचा पाएंगे, क्या होगा। The multiverse. Every existence multiplied by possibility and spread out in infinite measure. Now there is a malevolent force at work, one driven by a singular goal, the destruction of all the world. Argo's gone. There's a wave of antimatter sweeping across this universe, destroying everything in its path. I brought you all to Earth 38 because this is where the monitor wants you to make your stand. Right, so we are going to need a bigger team. You want some help? The entire universe needs you. Across space and time exists 7 heroes who can't save the multiverse. I'll find them. You are Clark Kent, right? Oh, God. Bruce? Kate. Oh, God. Whoa. We need your help to stop this antimatter wave. All right. Then Flash. Oliver, it is time. Has the planet been evacuated yet? Not entirely. Then it's not time. One thing is certain. I thought you... Everything we know. Everything there is. And everything there ever was. Is doomed. What do you mean by doomed? वो जो ग्लासेस टूटे हुए थे वो सुपरमैन के थे, क्योंकि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के ट्रेलर 1 में डेथ ऑफ सुपरमैन का जिक्र हुआ था, और इस ट्रेलर 2 में क्लार्क कैंट का चश्मा टूटा हुआ है।
there's something. तीन सुपरमैन में से कोई सा सुपरमैन तो मरने वाला है. That's definite. जब पिछले साल क्रॉसओवर हुआ था, जब सिर्फ एरो, सुपरगर्ल और फ्लैश थे उसमें, उस टाइम मॉनिटर एंटी मॉनिटर आए थे एंड उस टाइम पर ये बताया था उसने कि एरो की डेथ होगी, एरो को मरना पड़ेगा ताकि सबको सेव कर सकें. और इस पूरे सीजन में फ्लैश में बैरी मरने वाला है ये भी पता है. सो हु इज गोइंग टू डाई, आई डोंट नो. एरो का लास्ट सीजन है ये, तो आई गेस ही इज गोइंग टू डाई, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो. बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है दिसंबर 8 से, हमारे यहाँ दिसंबर 9 को आ जाएगा और दिसंबर 8 को एयर होगा, दिसंबर 9 को इंडिया में रिलीज हो जाएगा. हालांकि फ्लैश, एरो और सुपरगर्ल ये तीनों जो हैं ये हमें हॉटस्टार पर मिल जाते हैं. ब्लैक लाइटनिंग आई गेस नेटफ्लिक्स पर है, बट बैट वुमन अभी तक एयर नहीं हुआ इंडिया में, तो टिकटम लगानी पड़ेगी बैट वुमन देखने के लिए. लेजेंड्स ऑफ टुमारो भी हॉटस्टार पर है, तो एक जगह सब हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, आई गेस. लेट्स सी क्या होता है. जो अभी फ्लैश और सुपरगर्ल में हो रहा है, लेजेंड्स तो अभी तक चालू भी नहीं हुआ है. आई थिंक लेजेंड्स इसके बाद चालू होगा. तो डू नो क्या है, कैसा रहेगा सब. इट्स जस्ट आई एम स्पीचलेस नाउ, क्योंकि इतना खतरनाक ट्रेलर एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. हालांकि जिनको ये टीवी सीरीज नहीं देखी उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो ये देखते हैं इंडिया में जो देखते हैं, यार दोस्तों दैट्स रियली इनसेन. I don't have any words now. Ready ho crisis ke liye? Okay, तो बस यही था इस trailer reaction में. अगर आपको मेरा opinion पसंद आया हो तो एक like का button जरूर दबा के जाना यार. और comment में लिखना अगर आप भी Flash, Arrow, Supergirl, Legends, Black Lightning, Batwoman में से कुछ TV series follow कर रहे हैं या सभी follow कर रहे हैं, तो अपना opinion नीचे comment में जरूर बताना. Share करना अपने दोस्तों के साथ जो DC के बड़े fan हैं और TV series देखते हैं. सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, क्योंकि मैं अब क्राइसिस का रिव्यू देने की सोच रहा हूँ, अगर सब चीज ठीक रही तो. तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो. जय हिंद, जय सिनेमा.